डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार भाई। पंचायती चुनाव चल रहे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के मैम चौबीस खास गांव फरमाणा फरमाणा में मौजूद हैं। और भाई यहाँ पर गुग्गन नाम का एक उम्मीदवार है, तहलका मजा रहेगा। जिस उम्मीदवार के पास गए उसी उम्मीदवार ने कहा गुग्गन से मुकाबला है। गुग्गन में ऐसी क्या खास बात है जानने का प्रयास कराएंगे। भाई गुग्गन हमारे साथ जुड़े हैं इसमें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सभी दर्शकों को नमस्कार भाई साहब। भाई गुग्गन एक बात था सारा गांव में जीते हुए गुग्गन गुग्गन नाम की चर्चा कारण की गुग्गन की नहीं भाई साहब, या सबसे बढ़िया मतलब भाईचारा का जो सहयोग है, सबसे जो हमारे मुद्दे हैं विकास के, गांव में विकास कराने के, जो हमारी सोच है उसका तलका उसका भाई साहब उसकी चर्चा अच्छा, वो कौन से मुद्दे हैं जिन सोच का आप चुनावी मैदान में आए हो भाई साहब? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा गांव में विकास, जो जिस तरह गलियां कच्ची है मानो भाई साहब, जब उनमें कीचड़ है, कहीं पे निकलने का रास्ता नहीं है, हर जगह पानी भरा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा तो गलियों वाला भाई साहब, जो सबसे पहला काम है। अगर भगवान ने हमारे को ये दिन दिया तो सबसे पहला काम हमारा गलियों को दुरुस्त कराना, पानी की निकासी करवा के ये करवाएंगे भाई। आपका गांव आदर्श चुनाव को आदर्श गांव घोषित कर रखा है सरकार ने, और आदर्श नाम की चीज़ देखी जाए तो गांव में कोई भी नहीं है। किसी भी गली में जाकर गोबर के ढेर मिलेंगे और गलियों में पानी भरा मिलेगा, क्या कारण क्या है इसका भाई साहब? जो भी आज तक हमारे गांव के प्रतिनिधि चुने गए हैं उनका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया जाता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ग्रांट बहुत आ, सरकार पैसा बहुत दे रही है, लेकिन उनको सही जगह इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको दुरुस्त नहीं किया गया भाई साहब, ये सबसे बड़ा कारण रहा है इसका। और गाँव के मतदाताओं को आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता तो आपका पहला काम क्या रहेगा भाई साहब? देखो, अगर सबसे पहला काम हमारा होगा गांव में जो गलियां हैं उनके पानी की निकासी की व्यवस्था करना। जो पानी की निकासी होने के बाद में पानी कहीं भी मतलब खड़ा रहने की समस्या नहीं आएगी, और गलियां फिर सही हो जाएंगी और गलियों को सुधार किया जाएगा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप फरमाणा गांव के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं तो सबसे पहले दर्शकों को यही अपील करना चाहूँगा कि गांव का विकास के जो मुद्दे हैं उनको ऊपर सोच के, सोच के ऊपर सोच के ध्यान दिया जाए, और जो अगर पूरे गांव का समर्थन मिलता है और ये मतलब दिन आता है सरपंच वाला, तो जो मेरे ऊपर उम्मीद जताई है मेरे पन्नन हैं, जो हमारे लाड़ी हैं, जो हमारे सैनी हैं, जो शीला पांडे के हैं, उनका सबसे का मैंने जो मेरे ऊपर विश्वास जता है उस विश्वास को मैं सवाया करके बताऊँगा। ये देखिए थे हमारे साथ खास मुलाकात थी गुग्गन सरपंच की, जो भावी सरपंच है गांव के, उन्होंने बताया गांव की जो समस्या होगी सभी समस्याओं का निपटारा तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए डीएन हरियाणा के साथ।